अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए ना, हर हर लफ्ज़ जो है एक समंदर है, उसकी झलक हम आज की अपनी इस वीडियो में देखेंगे कैसे एक एक वर्ड में इंतहा की गहराई है। लेकिन अगर कोई समझने वाला हो तो चलते हैं। सबसे पहले आयत देखते हैं, सूरत बकरा की आयत नंबर 26 है, वो सुनते हैं और फिर आगे देखते हैं। मतलब देखते हैं इस आयत का मतलब, बेशक अल्लाह ताला इससे हया नहीं फरमाता कि मसाल समझाने को कैसी ही हकीर चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे भी बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बेहतरों को इससे गुमराह करता है और बेहतरों को हदायत फरमाता है और इससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुकम हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से नहीं शर्माता किसी हकीर चीज़ की भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना, या मच्छर से भी कोई हकीर मिसाल दे। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि अल्लाह ताला इससे या तो हदायत देता है और बहुत सों को इसे गुमराह करता है। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला ने मच्छर को इंतहाई हकीर कहा है, यहाँ वह मच्छर का जिक्र क्यों किया। इसमें दो पहलू हैं, एक साइंसी लिहाज से और एक दीनी इस्लामी और आम ज़िंदगी के हिसाब से दो सबक हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले एक मच्छर जिसको अल्लाह ताला इंतहाई हकीर कह रहे हैं, उस हकीर सी चीज़ का जायज़ा लेते हैं। वो हकीर सी चीज़ जो है वो उसके अंदर कितनी साइंस छुपी हुई है इसको देखते हैं। यहाँ पर बहुत तक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है मादा मच्छर। नर मच्छर का अरबी में और इस्तेमाल होता है और मादा मच्छर का और इस्तेमाल होता है। तो आज से 1400 साल पहले कुरान तो पतन कब से लिखा गया है, लेकिन उस साइंस ने तो अब ये चीज़ देखी है कि मादा मच्छर ही सिर्फ खून चूसती है, लेकिन कुरान करीम में पहले से इस चीज़ का जिक्र है। तो आइए चले देखते हैं मच्छर जिसको अल्लाह ताला इंतहाई हकीर कह रहे हैं वो असल में है क्या चीज़। मच्छर बस एक मच्छर नहीं होता, वो एक सर्वेयर, पूरा एक साइंटिस्ट होता है, एक सर्जन होता है, केमिस्ट होता है, एक दुनियावी जहानत से लबरेज, एक प्लानर, प्लान बनाने वाला, गोताखोर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, ये सारी खूबियाँ एक मच्छर के अंदर पाई जाती हैं। अब लोग हैरानगी तो होती है ना कि सारी चीज़ें एक मच्छर में कैसे, तो इसके बारे में ये देखते हैं सारी चीज़ें एक मच्छर में कैसे पाई जाती हैं। सबसे पहले एक फिजिस्ट का रोल अदा करते हुए एक नर मच्छर मादा मच्छर को तलाश करने के लिए अपने एंटीने से वेव और सिग्नल को फैलाता है हवा के अंदर। ये सिग्नल मादा मच्छरों के एंटीने से निकलने वाले सिग्नल्स को कैच करता है, इसी तरह जैसे एक रडार काम करते हुए दुश्मन जहाज़ों को ट्रेस करता है। सेम इसी तरह नर मच्छर के साथ कुछ ऐसे इजाफी हिस्से होते हैं जो हवा के अंदर ही मादा मच्छर को दबोच लेने की सलाहियत रखते हैं। इसी दौरान जुफ्ती अमल वाक़या होता है। उसके बाद मादा मच्छर को अंडों की नशोनुमा के लिए खून की ज़रूरत होती है और वो खून लेने के लिए अब मादा मच्छर जो है एक सर्वेयर की तरह काम करते हुए सर्वे शुरू कर देती है। मादा मच्छर ज़मीन का इब्तदा जायजा बड़ी एहतियात से लेती है, जिसके लिए वो अपने पेट के नीचे मौजूद नाजुक कुदरती आला यानी रिसेप्टर्स का इस्तेमाल करती है। जो ही कोई मुनासिब जगह मिल जाती है वो अपने अंडे वहाँ मौजूद पानी पर जमा करना शुरू कर देती है। बेहतरीन मैनेजमेंट का मुजाहरा करते हुए ये अंडे जो लंबाई में 1 मिलीमीटर से कम होते हैं, इन्हें इकट्ठा कतारों में एक एक करके कतार दर कतार उसको रखती चली जाती है और तरतीब के साथ उनको पानी के ऊपर ऐसे जोड़ के कतारों में रख देती है। 2 घंटे के अंदर अंदर स्याह लार्वे बाहर आ जाते हैं
और ये लार्वे जब बाहर आ जाते हैं तो वो माहौल के रंग माहौल के मुताबिक अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपना रंग जो है मुख्तलिफ कीमियाई आवामिल के जरिए तब्दील करते रहते हैं। ये सेल्फ डिफेंस का मुजाहरा करते हैं, बचपन से ही सेल्फ डिफेंस का मुजाहरा करते हुए आस पास के दूसरे जो जानदार हैं उनसे अपने आप को बचाते हैं। खुराक हासिल करने के लिए ये जो लार्वे होते हैं गोताखोरी का मुजाहरा करते हुए अपने इंतहाई छोटे परों से समंदर की सतह पर गर्दाब पैदा करते हैं और माइक्रो बायोलॉजिस्ट बनकर इस गर्दाब के जरिए बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदारों का शिकार करता है। आखिरी बार खाल की तब्दीली दीगर तब्दीलियों से मुख्तलिफ होती है। ये वो मरहला होता है जिसमें लार्वा अपनी आखिरी बलोगत के मरहले में पहुंच जाता है जिसे प्यूपा का मरहला कहा जाता है। वो खोल जिनमें इनको रखा जाता है काफ़ी तंग होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो वक्त आ गया जब लार्वा को इस खोल से बाहर निकलना है। तब्दीली के इस आखिरी मरहले में इस बात का खतरा होता है कि जानदार दम घुटने से मर ना जाए, इसलिए इसके सांस लेने के लिए खुलने वाली जगह जो एक हवाई नाली के जरिए पानी से ऊपर निकली हुई होती है जैसे तस्वीर में आप देख भी सकते हैं बंद कर दी जाती है। ताहम इस मरहले के बाद सांस लेने का काम उन सुराखों से नहीं लिया जाता बल्कि उन दो नलकियों से सांस लिया जाता है जो इस जानदार के जिसम के अगले हिस्से में नई पैदा हो जाती है। यही वजह है कि नलकियाँ खाल की तब्दीली से पहले ही पानी की सतह से बाहर आ जाती हैं। खैर काफ़ी पेचीदा अवामिल के बाद ये बालिग मच्छर बाहर निकलता है और पानी की सतह पर अपने पाँव से वजन डाल के बाहर निकल आता है। अब इससे पहले मादा मच्छर को जो खून की ज़रूरत पड़ी थी उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जो मच्छर है वो जासूस बन के अपने शिकार की तलाश में निकलता है। मच्छर की तकरीबन कंपाउंड जो आइज़ है 100 से ज़्यादा होती हैं। ये आप तस्वीर में भी इसकी माइक्रोस्कोपिक तस्वीर आप देख सकते हैं। वहाँ से पहले से दूर से इंसान को ये मच्छर के इंसान से की नज़र से इंसान का व्यू है, लेकिन मच्छर जो मेनली शिकार करते हैं अंधेरे के अंदर भी वो इंसानी जिस्म के जो दर्जा हरारत की लहरें निकल रही होती हैं उन लहरों को कैच डिटेक्ट करके अपने आलात जो उसके पास मौजूद होते हैं उनसे उन हरारत को कैच करते हैं, हरारत को महसूस करते हैं और फिर उस हरारत को इसकी जो दर्जा हरारत जांचने की जो सलाहियत है इंतहाई ज़बरदस्त है, 1/1000 सेंटीग्रेड के फर्क को भी मालूम कर लेते हैं। इस तरह मच्छर अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है और खून वाली रगों को भी पहचान लेता है। अब ये जो मच्छर है एक डॉक्टर और सर्जन बन जाता है। सबसे पहले ये दो धारी आरे की मानिंद अपने तकरीबन 22 दांतों से जिल्द को काटता है। इसके बाद अपने दो निडल से इंसानी जिस्म के टिश्यूज को पकड़ता है फिर और फौरन सुराख वाली जगह के इर्द गिर्द एक केमिकल लगा देता है। वो केमिकल क्यों लगाता है? वो इसलिए लगाता है कि इंसानी खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जख्म लगने पर जख्म के ऊपर एक तय बनाकर उस जख्म को फौरन बंद कर देते हैं। यही वजह है कि हमें कोई हल्का सा जख्म आए कुछ देर बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब मच्छर को पता है कि इंतहाई मामूली सुराख है फौरन बंद हो जाएगा तो केमिकल लगाते हैं ताकि सुराख बंद ना हो। अब ये केमिकल जो है वाइट ब्लड सेल को ये जख्म जो इसको कवर करने की इजाज़त नहीं देता, उसको रोक देता है वहीं पर। फिर ये अपना पाइप नुमा जो इसके पास डंग कह लो या जो कह लो पाइप नुमा इसके पास एक औजार होता है उसको खून की रग के अंदर रख के उसको खून पीना शुरू कर देता है। अब मच्छर का एक और पहलू है, जैसे जैसे मच्छर खून पीता चला जाता है वैसे वैसे इसका दिमाग का वो हिस्सा जो खून की मकदार को हसब ज़रूरत रखने का हुक्म जारी करता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो इतना खून पी लेता है कि इसका बाज़ पेट फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जितना यानी खून पीता चला जाता है उतना उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है दानिश है अकलमंदी है वो कम होती चली जाती है और एक वक्त आता है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो जो दिमाग का वो हिस्सा जो हुक्म जिस्म के अगेंस्ट कोई भी होने वाले काम को रोकने के लिए हुक्म देता है वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है और बिलाकर उसका पेट फट जाता है और वो मर जाता है। पहले जो बताया था वो उसका सेंसी पहलू था। इस चीज़ से हमें एक सबक मिलता है, अल्लाह ताला इसमें एक सबक है अगर तदब्बुर इंसान करे क्या है कि जो लालची इंसान और जो गुमराह लोग होते हैं जितना ज़्यादा वो खून दूसरों का चूसते चले जाएंगे उनकी अक्ल व दानिश पे पर्दा पड़ता चला जाएगा जैसे मच्छर के साथ होता है। इस बारे में एक हदीस भी है, हदीस का मफहूम है जब गुनाह करता है तो इंसान के दिल पे एक स्याह नुक्ता लगता है लग जाता है यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते पूरा दिल स्याह हो जाता है और उसके बाद उसके कानों पे मोहर लगा जाती है आँखों पे सुनने पे हर चीज़ पे मोहर लग जाती है।
और फिर उनको वो गुमराहों में शुमार हो जाते हैं और उनको हदायत नहीं मिलती। ये एक आयत का तर्जमा है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हकीर कह के पुकारा, हकीर तरीन, उस हकीर सी चीज़ के अंदर कितने न जाने सिस्टम हैं, और ये वो सिस्टम है जो अभी तक पता चले हैं। आइंदा पता ही कौन कौन से राज खुलने वाले हैं, अभी बाकी हैं। तो ये कुरान करीम के अंदर हर चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं में एक हदीस आयत से कितना कुछ, एक आयत से कितना कुछ निकलता है। कह रहा है एक लफ्ज़ जो समंदर है कुरान का, अल्लाह ताला बस हमें समझ अता फरमाए, तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाए। साइंसी पहलू भी आपके सामने रखा और दूसरा रूहानी और मजहबी पहलू भी, कि जब इंसान गुमराही करते, दूसरों पे जुल्म करे, हकूक और खून पीता चला जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर अचानक अल्लाह ताला अपनी रस्सी खींच लेते हैं, वो उसी काम में मगन होते हैं और अल्लाह ताला उनको वहीं पे पकड़ दे, वहीं पे अल्लाह ताला की पकड़ आ जाती है। यही इससे हमें सबक मिलता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, तदब्बुर करने, उसकी समझ अता फरमाए और फिर उस समय ले कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फी अमानिल्ला। और जहाँ पे हम टिकटॉक और दूसरी वीडियोस को शेयर करते हैं, ऐसी वीडियोस को शेयर करना चाहिए ताकि इस चीज़ का शौक़ और शऊर लोगों के अंदर पैदा हो। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये भी एक सदका जारिया बन सकता है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सब्सक्राइब के साथ ही घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह ताला जो कुछ काफ़ुन अमल की तो अता फरमाए। आमीन सुमामीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।